यहाँ आई हैं आप तहसील में, सीओ ऑफिस में, क्या शिकायत लेकर आई? मैं लेके आई, मेरे पति मेरे लड़के के संग गंदे काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ तो मेरे साथ कट्टा रख देते हैं। क्षेत्र में एक मामला सामने आया था, क्या मामला था? देखिए, थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में परसों एक महिला ने यह आरोप लगाते हुए कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 15 दिनों से बलात्कार कर रहा है, यह सूचना थाने को दी थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया और पिता जो अभियुक्त था उसे हिरासत में लेके पूछताछ की गई। प्राथमिक पूछताछ में मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। कथित पीड़िता से महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए जब बयान लिया गया तो बच्ची रोने लगी। उसने कहा कि उसके पिता ने उसके साथ किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है और उसकी मां ने फर्जी जबरन मुकदमा पंजीकृत करवा रही है। अगले दिन यानी कल उस पीड़िता को CWC के सामने पेश किया गया, जहां उसने पूरी तरह घटना से इनकार किया। फिर कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया, वहां भी उस पीड़िता ने घटना से इनकार किया। गहराई से जांच करने पर पाया गया कि जो कथित अभियुक्त था इस पीड़िता का पिता, वो लगभग 6 सालों से घर से दूर रहता था। इस बीच में पीड़िता की मां का संबंध किसी से हो गया होगा और जब ये वापस घर आया तो बाधक सा प्रतीत होने लगा, तो इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए पहले उस महिला और उसके ससुर ने प्रयास किया कि ये घर छोड़ के चला जाए। आपस में 4-5 दिनों से झगड़ा हो रहा था लेकिन वो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था, तो उसे अपने रास्ते से हटाने के इरादे से उसने एक फर्जी तहरीर इस तरह की दी और अपनी बेटी को हथियार बना करके प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से एक निर्दोष को बचाने में हम लोग कामयाब रहे और इसके लिए सिकंदराबाद थाना खुर्जा जहांगीरपुर की पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया है। माँ के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज? 182 की कार्रवाई माँ के खिलाफ की जा रही है और प्रकरण विशुद्ध रूप से अवैध संबंधों से संबंधित था और उसी में पति के बाधक होने के कारण उसे फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की योजना उसके पत्नी की थी। खुर्जा, नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का पिता पर आरोप निकाला झूठा। पुलिस की जांच फर्जी पाया गया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का मामला। SSP का दावा, अवैध संबंध कायम रखने के लिए अपने पति को ही फंसाना चाहती थी पत्नी। 2 दिन पहले किशोरी की मां ने अपने पति पर लगाया था बेटी से दुष्कर्म का आरोप। किशोरी की मां के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला।